इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मन की, बस मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोस्तों के लिबास में मुनाफिक है। मुनाफिकों की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुनाफिकों के हक में दुआएं नहीं मांगी। खैर, आज इस बात का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उम्मत में मुनाफिकों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मुनाफिक वो शख्स है जो ईमान और कुफ्र दोनों तरफ रहता है और एक फर्जी मुसलमान की तरह वो अपनी जिंदगी बसर करता रहता है। जब मुसलमानों में आता है तो मुसलमानों की तरह बात करता है और जब मुखालिफ गिरोह में जाता है तो वहां की बात करता है। तारीख के औराक में इनका नाम कसरत से लिया जाता है। ये बात उतनी ही सच है कि हम आज दौरे फितन का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें आखिरी दौर को लेकर बताई है तकरीबन सच होती दिखाई दे रही। खासकर मौजूदा दौर बहुत ही खतरनाक दौर के तौर पर लिया जाए तो गलत ना होगा। और यही वो वक्त है जहाँ हक और बातिल के फर्क को महसूस किया जाता है, समझा जाता है। ये वो दौर है जहाँ झूठ फरेब धोखा आम होता है। ईमानदार शख्स के लिए दुनिया तंग की जाती है, इसके बावजूद भी दुनिया में मुस्तकिल कुछ लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। कभी कभी ये सवाल जहन में गश्त करता रहता है कि आखिर सहाबा ताबईन तबे ताबईन औलिया किराम मुगलों का दौर, बड़े बुजुर्गों के दौर में भी इस तरह के दोहरा चेहरा रखने वाले मुनाफिक कैसे रहे होंगे। आखिर क्या अपने ईमान का सौदा कर आखिरत की लामहदूद जिंदगी पर भी समझौता करते होंगे। क्या जब ईमान इस्लाम जैसे सच्चे दीन की दौलत मयसर होती है तो इस तरह क्यों करते हैं। खैर, इसका जवाब यही मिलता है कि जब दुनिया की मोहब्बत गालिब आने लगती है तो फिर आखिरत का फायदा धुंधला होने लगता है, खौफ खुदा कम हो जाता है, फिर गुनाह करना भी इसके लिए मुश्किल नहीं रहता। वैसे हर दौर में ये लोग रहे हैं और मौजूदा दौर में भी इसकी फसल ज्यादा उगती नजर आ रही है। कुछ लोग तो नाम निहाद दीनदार बनकर मुशरिकाना हरकतों की हिमायत करते हुए मुसलमानों की ही मुखालफत करते हैं और इन्हीं से असल में ज्यादा नुकसान अब तक हुआ है। अक्सर बतौर मिसाल पेश करते हुए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दौर के मीर सादिक का नाम लिया जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी अब्दुल्ला बिन उबय, अब्दुल्ला बिन सबा के नामों का जिक्र उमूमन लिया जाता है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल हुआ तो पहली सब में नमाज अदा करने वाला भी मुनाफिक ही था। कुल मिलाकर मुनाफिकों ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज के दौर में इसे किस पस मंजर में लिया जाए। फिरका परस्तों के साथ रहकर मुस्लिम मुखालिफ साजिशों का हिस्सा बनने वाले आज अक्सर देखे जा रहे हैं। जो पार्टियां तंजीम इदारे मुस्लिम मुखालिफ मनसूबों को अंजाम देते हैं इनका हिस्सा बनना क्या मुनाफिकत नहीं है। पर सवाल पूछने पर जवाब दिया जाता है कि उनमें रहकर मुसलमानों का फायदा करने की फजाइल बातें बताई जाती है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से आरएसएस की जानिब से भी जो इदारे बनाए जाते हैं, आखिर इसमें दाखिल होने वाले को क्या कहा जाए। एक सियासी पार्टी जब एक समाज के खिलाफ खुलकर कहती है तो इसमें जाकर क्या माशरे का मुसलमानों का फायदा किया जा सकता है और इन्हीं लोगों से आखिर में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। टीपू सुल्तान का मशहूर कौल है, जिस कौम में गद्दार रहते हैं उस कौम के मजबूत किले भी मिट्टी के खरौंदे की तरह ढह जाते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे ऐसी तंजीमें ऐसी पार्टियां इदारों से जुड़ तो जाते हैं लेकिन यहूदी व मुशरिक इन बातों से बखूबी वाकिफ होते हैं और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पैसे रुपये की लालच देकर ऐसे कामों को अंजाम देने पर मजबूर कर देते हैं जिससे बड़ा नुकसान उम्मत को उठाना पड़ता है। फिलहाल ऐसी सियासी पार्टियों में जाकर अपना कुछ जाती फायदा वक्ती तौर पर तो इंसान कर लेता है लेकिन अगर उम्मत की इज्तिमाईयत को मद्देनजर रखेंगे तो ऐसे लोगों से काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं होते जो तुम्हारे मंसूबों को कामयाब करने देंगे, उल्टा तुम्हें इसी जगह इस्तेमाल करेंगे जिससे मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो जाता है। लिहाजा जो दायरे हमें दिए गए इन दायरों में रहते हुए जितना भी हो सके ईमान और आखिरत की हिफाजत करते हुए जिंदगी बसर करें। आजकल जब सियासत एक तबके के खिलाफ और एक माशरे के इर्द गिर्द घूमती रहती है तो तुम कोई बहुत बड़ा इनकलाब या तीर मुखालिफ खेमे में जाकर मारने वाले नहीं हो। दीन की फला बहबूदी में ही इज्जत वकार हासिल होता है। दुश्मनों के तलवे चाटने से हमेशा मायूसी ही हाथ लगती है और मोमिन का ईमान है कि असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। आजकल लोगों में झूठ फरेब का रिवाज चला हुआ है। जिस मिजाज का इंसान रहता है उसी तरह की बात कही जाती है। ये भी एक तरह की मुनाफिकत ही कह सकते हैं। आपको अपने जबान चेहरा बदलने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मुनाफिकत इंसान के ईमान को सर्व करता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग इस्लाम मुसलमान दुश्मनों से राब्ता रखते हैं और इसे फख्र समझते हैं।
ये भी बात उतनी सच है कि जब किसी का कत्ल या किसी जुर्म को अंजाम देना होता है तो ये फिरका परस्त इन्हीं नाम निहाद मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये बात वाज़ह हो जाती है कि वक्ती मफाद के चक्कर में हमेशा मुनाफिकों से बहुत बड़ा नुकसान इस्लाम मुसलमानों को हुआ है। भले ही आपको बहुत बड़े लालच दिए जाए, किसी पार्टी का बड़ा ओहदा भी तुम्हें दे दिया जाए, लेकिन कभी कौम के साथ गद्दारी न करना। इंशाल्लाह टीपू सुल्तान पर जरूर वीडियो बनाएंगे जिसमें मुनाफिकों का किरदार और टीपू की शहादत और आज फिरका परस्तों की जानिब से शेर हिंद को देशद्रोही कहने के पीछे की वजह और खुद भारत के कुछ नाम निहाद सेक्युलर लोग टीपू का नाम लेने से बच रहे, इस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। आखिर में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि दौर फितन में मुनाफिकत से बचने की कोशिश करें। हालात आएंगे और हालात जब आते हैं तो साबित कदमी के साथ मुकाबला करने की दुआएं करें। बुज दिल मौत से डरने वाले ईमान का सौदा कर कुछ वक्त दुनिया में जी लेंगे, लेकिन आखिरत की लामहदूद जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। दुनिया तो महज इम्तिहान का है। आज भी हम देख रहे हैं कि दिल के दौरे से, बीमारियों से कई नौजवान खाली के हकीकी से जा मिल रहे हैं। कुछ ऐसा करो कि जब अल्लाह से रूबरू हो तो कह सको कि हे अल्लाह, तेरे नाम पर मैंने अपनी जान लुटाई है। खुदारा मुनाफिकत के तूफान से बचो। आज यही पैगाम हमारे इस न्यूज चैनल के जरिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।